Hey yo, what's up guys? Welcome back to another video. Today's video is going to be about my LASIK operation which I'm getting done in about, I think, this week, hopefully. So by the time you're seeing this video, I should have 20/20 eyesight. Hold up, no. Anyway, that was overacting, but you get the idea. Mom and I are gonna have chai first. This is like a ritual at this point. Okay, so eye checkup successful tha and उन्होंने बोला कि LASIK कभी भी कराना है मैं करवा सकता हूँ, which is an amazing thing. So आज की डेट क्या है? 28, 29th शायद. एक second. 29th है तो 30th है ना? हाँ मतलब okay तो परसों मेरा LASIK सर्जरी है एंड करेंटली मेरी आँखें इतनी ब्लर्ड है बिकॉज ऑफ द आई ड्रॉप जो यूज़ किया, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ. सो आई एम गोना कीप दिस वेरी शॉर्ट क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं अगर एक्सपोज भी प्रॉपरली है या नहीं, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. आई विल सी यू गाइस एट होम एंड आई विल टेल यू गाइस अ लिटिल मोर इन डिटेल अबाउट व्हाट्स गोना हैपन एंड हाउ द प्रोसीजर इज गोना बी. ऑलराइट गाइस, सो कल मैं ऑनेस्टली आया एंड आई एंडेड अप स्लीपिंग अ लॉट बिकॉज मेरी आंखें काफ़ी ब्लर थी एंड आई रियली डिडंट हैव द एनर्जी टू यू नो जस्ट डू एनीथिंग एट ऑल. लाइक इफ आई डोंट यूज़ माई फोन और इफ आई एम नॉट ऑन माई लैपटॉप डूइंग सम रिसर्च और स्टडीइंग और एनीथिंग, देयर इज नॉट रियली एनीथिंग दैट आई कैन डू. सो आई एंडेड अप गेटिंग बोर्ड एंड आई स्लेप्ट प्रीटी अर्ली. अब आते हैं आई सर्जरी पर. आई एम गेटिंग माई आई सर्जरी डन फ्रॉम बोरिवली एंड डॉक्टर सुपर्ब है ऑनेस्टली. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 27 ईयर्स अगो मेरी मॉम ने उसी के पास आई सर्जरी करवाई थी LASIK. 12 साल पहले मेरे भाई ने वहाँ पर करवाया और कल मैं वहाँ पर करवा रहा हूँ. एंड आईड से दैट इट इज़ एक्चुअली मच चीपर दैन एनी अदर प्लेस दैट आई फाउंड आउट. सो इट्स इन बोरिवली बट इट इज़ वे चीपर देन एनी अदर प्लेस. सो वेर लाइक माइट इज वेल गो देर. एंड दैट वेरी डॉक्टर ऑल्सो हैपन्स टू वर्क इन सम ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स इन द सिटी. सो दैट्स वाई एम श्योर इट इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ वेरी गुड. एनी वे, सो कमिंग टू द यू नो प्रोसीजर दैट इज़ बींग फॉलोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना है कि आप सर्जरी के एक दिन पहले शैम्पू यूज़ नहीं करते. एंड बहुत फनी था कॉन्वर्सेशन बिकॉज वहाँ पर आई थिंक जो नर्स थी या द पर्सन हु वाज हेल्पिंग अस आउट उसको मॉम ने पूछा, शी इज़ लाइक अच्छा तो नहा कर नहीं आना है, एंड शी इज़ लाइक नहीं 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 साबुन लगा कर आना. इट वाज सो फनी, ओ माय गॉड. देन यू डोंट हैव टू यूज़ परफ्यूम और डिओड्रेंट एंड ऑक्यूपल आई ड्रॉप्स दिए हैं ये वाले, इनको 4 बार यूज़ करना है. आई हैव यूज्ड इट वंस ऑलरेडी और अब यू नो शाम को और फिर रात को एंड बिफोर स्लीपिंग आई यूज़ इट 3 more times. Now coming to another important thing, that is eye makeup बिल्कुल नहीं करना है and that is like a necessity, like बिल्कुल भी नहीं. और you know वो काला चश्मा देते हैं वो मुझे मिलेगा शायद से, so if I get it I'll wear it and you know it'll be very cool. तो अब मैं डीमार्ट गया था and quickly आप डीमार्ट जाओ मेरे साथ और वापस आओ and then we'll talk. Let's go. दो चीज़ें खरीद कर लाया हूँ. आई डोंट नो इफ मॉम इज़ वेरी हैप्पी विद द परचेज बट लकीली उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना एक्ट लाइक शी कूल विद इट. वन इज दिस थिंग विच इज़ गॉड, विच इज़ द हुक दैट यू नो यू पुट ऑन बाइक्स. एंड इफ यू गाइज नो मी देन आपको पता होगा दैट आई ऑलवेज 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 कैरी बैग्स विद मी. कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ बैग होती ही है. एंड नाउ दैट आई एम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग ऑन एक्टिवा विद इन द सोसाइटी और यू नो इन माई लोकेलिटी, I'm just using these. Second thing, hold up, I'll get it. I'm not a fan of neon colors or anything, but this is a neon colored poncho. And the truth is that I actually just ended up buying it because bike pe jab baithte hain barish aati hai na, yeah, you can use one of those raincoats or whatever, but it only covers your upper body, so your pants end up getting wet. Or obviously wo pants aati hai, but रबर जो भी रहता है वो मटीरियल वाटर प्रूफ मटीरियल, बट दैट्स नॉट वेरी कम्फर्टेबल. कल मेरा सर्जरी है. आई एम अ लिटिल स्केर्ड एंड लिटिल स्केप्टिकल ऑल्सो बिकॉज थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया सर्जरी के बारे में एंड इट टर्न्स आउट दैट व्हाट दे आर गोना डू इज़ पहले तो मेरे टॉपिकल
आई ड्रॉप्स डालेंगे तो मेरा आँख नम हो जाएगा. उसके बाद दे कट योर आईज, मतलब कॉर्निया जो होता है आँख 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 आँखों का जो कॉर्निया होता है उसको 20% कट करते हैं विद अ मशीन, और वो दो ऐसे प्रॉन्ग्स होते हैं ना उससे आईलिड खुला रखता है. सो आई एम अ लिटिल स्केर्ड अबाउट दैट. एंड द गुड थिंग और द फन फैक्ट अबाउट आईज इज दैट योर आईज आर एक्चुअली सो गुड एट हीलिंग दैट यू डोंट इवन नीड stitches at all once your operation is done. So your eyes will heal within minutes. So I think that is something that was very impressive and I didn't know about it. So maine socha bata du. Anyway, I'm just gonna go ahead and end the video right here. And I hope you guys enjoyed this video. If you did, then please make sure that you like, comment and subscribe. And please pray for me because I'm a tiny bit scared about this whole operation thing. And I will see you guys in the next one. Peace. I love you.